सब्सक्राइब करें टेक्सरा चैनल और साथ में बेल बटन को दबाएं लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आपके मोबाइल का अगर वाईफाई हॉटस्पॉट और ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा है तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, ऐसे ही ट्रिक मैं लगाया हूँ इसी ये वीडियो में और ये मोबाइल में आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा और ये फॉल्ट को फाइंडिंग करके आपके सामने ही रखूँगा। तो दोस्तों, आप जैसे ही देख रहे हैं ये डायल पर मैं कुछ कोड लगा रहा हूँ तो दोस्तों ये कुछ भी वर्किंग नहीं कर रहा है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों, इसमें मैं बताना चाहूँगा ये MI मोबाइल में खाली ऐसे ही प्रॉब्लम आता है, ना कि सभी मोबाइल में ऐसी प्रॉब्लम आता है। दोस्तों, ये Xiaomi कंपनी का Note 5 Pro मॉडल है। तो दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम तो क्या आया है आपको बता दिया हूँ मैं और इसको कैसे ठीक करेंगे ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो में बताऊँगा वाईफाई और ब्लूटूथ और हॉटस्पॉट अगर काम नहीं कर रहा है तो कैसे इसको ठीक करेंगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये पोर्टेबल हॉटस्पॉट ऑन किया हूँ लेकिन एरर दिखा रहा है और आगे दिखाऊंगा वाईफाई भी ऐसे ही दिखा रहा है और ब्लूटूथ भी वर्किंग नहीं काम कर रहा है। तो दोस्तों, ये मोबाइल में क्या प्रॉब्लम आया होगा ये तो ज़रूर बताऊँगा और सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, लेकिन आपको सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा इसका जो फॉल्ट है, पहले इसको दिखा देता हूँ। जैसे कि देखे दोस्तों, ये डिस्प्ले में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हॉटस्पॉट पे या फिर वाईफाई पे क्लिक किया मैंने, ये वाइट होके रह गया है, मतलब ऐसे ही प्रॉब्लम आ रहा है इसमें और कभी कभार हैंग होके रह जाता है, कभी कभार एरर दिखाता है। लेकिन दोस्तों, ये मोबाइल में सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आया था मैं बताना चाहूँगा। कस्टमर ने जैसे ही मेरे को मोबाइल दिया, ये उससे पहले कहीं से ये FRP लॉक को तोड़ के लाया था। हो सकता है ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम से ही ऐसी हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें फ्लैश चढ़ा के देखेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम था ये सही हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहें, ये वीडियो में हम लोग ठीक करेंगे आज Redmi Note 5 Pro का जो वाईफाई हॉटस्पॉट और ब्लूटूथ नहीं काम कर रहा है, इसको हम ठीक करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम था ये सही हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं PC में ले जाऊंगा, उससे पहले एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं ये वाईफाई नहीं काम कर रहा है और उससे पहले मैं हॉटस्पॉट को चेक किया, उसके बाद ब्लूटूथ को भी चेक कर देंगे, देखेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम है ये सही में काम नहीं कर रहा है या फिर ऐसे ही मैं फेक में बता रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ये वीडियो पसंद आ रहे तो जरूर से लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल में सिलेक्ट करें। तो दोस्तों, सबसे पहले मोबाइल को मैं खोल देता हूं और आपको दिखाता हूं कि इसको कैसे ही, मतलब खोलने के बाद कैसे फ्लैश किया जाता है और कैसे इसको ठीक करेंगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं मोबाइल को मैं खोल दिया हूँ और आपको पूरी डिटेल में दिखाने की कोशिश करूँगा और एक बारीकी से समझाने की भी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये मोबाइल को मैं कनेक्ट भी कर दिया हूं और यहां पे देख सकते हैं ये क्वालकॉम का ड्राइवर पकड़ लिया है और मैं खोल दिया हूं ये EMT सॉफ्टवेयर को, जो यहां पे हम लोग फ्लैश करेंगे, देखेंगे कि हमारा जो मोबाइल का प्रॉब्लम था ये सही हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, फ्लैश फाइल जो है Redmi Note 5 Pro का मेरे डिस्क्रिप्शन में, मेरे ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और बात रही UMT सॉफ्टवेयर की, तो इसमें क्रैक सॉफ्टवेयर में दे रहा हूँ लिंक, वहाँ से जाके डाउनलोड करके आप लोग भी खुद घर में या फिर कोई PC में यूज कर सकते हैं और कहीं मोबाइल दुकान में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग फ्लैश फाइल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे है, जैसे कि मेरे फ्लैश फाइल डेस्कटॉप में है, मैं सिलेक्ट कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं इसको ओके करना है, रॉ फाइल जो सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्वालकॉम का जो ड्राइवर डिटेक्ट किया है उसको कुछ नहीं करना है, खाली इसमें फ्लैश करना है। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं फ्लैश मैं कर रहा हूँ अभी, इसमें कुछ भी छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है और देख सकते हैं मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट इसमें फ्लैश कर देंगे।